हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और बेहतरीन तैयारी अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप सभी कर रहे हैं। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शौर्य भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों में सपना सजो करके रखा हुआ है एनडीए में जाकर के या नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम होता है वो एग्जाम को क्लियर करके इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनना है और देश के लिए कुछ करने का जो आपका जज्बा है उसको पूरा करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आज एक बहुत बेहतरीन न्यूज है। यूपीएससी ने एनडीए और NA1 एग्जामिनेशन 2022 के लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी है, जो कि यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है। आप वहां से इस पूरी विज्ञप्ति का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल, आज के सेशन में हम समझेंगे इस विज्ञप्ति में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जो कि जानना आपके लिए जरूरी है इस फॉर्म को भरने से पहले। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले हम समझेंगे कि एप्लीकेशन कैसे भरनी है। एप्लीकेशन भरने का मोड ऑनलाइन है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपको यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाना है, राइट? नेक्स्ट समझते हैं एप्लीकेशन का डेट्स, यानी कि टाइमलाइंस। एप्लीकेशंस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं दिनांक 22 दिसंबर 2021 से और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी रहेंगे दिनांक 11 जनवरी 2022 शाम 6 बजे तक, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12 बजे तक का टाइम नहीं है बच्चों, सिर्फ शाम 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 24 दिसंबर से 11 जनवरी ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी। नेक्स्ट, यदि किसी भी कारणवश आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक समय निर्धारित किया गया है और वो है 18 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 के बीच में। यदि कोई रीजन से आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम स्टूडेंट समझते हैं इंपॉर्टेंट जो अगला पॉइंट आता है वो आता है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यूपीएससी ने इस एग्जाम के लिए 10 अप्रैल 2022 डेट निर्धारित कर दी है। डेट बिल्कुल फाइनल है तो आप अकॉर्डिंगली अभी से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको शुरू कर दीजिए। 10 अप्रैल 2022 एनडीए 1 2022 एग्जामिनेशन की फाइनल डेट है। नाउ लेट अस कम टू नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहां पर कुल 400 वैकेंसीज के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें से एनडीए आर्मी विंग के लिए 208, नेवी विंग के लिए 42, एयरफोर्स में फ्लाइंग विंग के लिए 92, ग्राउंड ड्यूटी के लिए 18 और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 10 वैकेंसीज जारी की गई हैं। और नेवल एकेडमी के लिए 30 वैकेंसीज जारी की गई हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, राइट? नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशंस। तो स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि मेरे सिटी में एग्जाम सेंटर होगा या नहीं होगा। तो ये लिस्ट आपके सामने अवेलेबल है, अगरतला से लेकर के और कंप्लीट लिस्ट वरंगल तक आपके सामने है। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप अपना सेंटर जो है वो चेक कर सकते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कंडीशंस, पात्रता की जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल और फीमेल। ध्यान रहे, लास्ट टाइम से फीमेल्स के लिए भी, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी एनडीए ओपन कर दिया गया है। तो अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स, सिटीजन ऑफ इंडिया और नेपाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एज लिमिट एंड मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस मैंने आपको बता ही दिया, अनमैरिड होने चाहिए। एज लिमिट ध्यान से सुन लीजिए बच्चों,
आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच में होना चाहिए। 2 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई 2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ यदि है तो आप इस विज्ञप्ति के हिसाब से फॉर्म भरने के लिए उपयुक्त हैं। नाउ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि आप एनडीए के आर्मी विंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन न्यूनतम होनी चाहिए 12th पास, राइट, और किसी भी मान्यता प्राप्त एजुकेशन बोर्ड से। लेकिन यदि आप चाहते हैं तैयारी करना एयरफोर्स या नेवल विंग्स के लिए, तो उसके लिए ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 12th, लेकिन यहां सब्जेक्ट्स की बाध्यता है, आपके पास में 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होना अनिवार्य है, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए बेटा एक अपेंडिक्स 4 है इसी नोटिफिकेशन में, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या आप शारीरिक मापदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। नेक्स्ट इज फीस। फीस जो है स्टूडेंट्स, इस एप्लीकेशन के लिए निर्धारित की गई है ₹100, 100 रुपए फीस है। और ये भी यहां पे ध्यान रहे, एससी एसटी कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स एंड जेसीओस एंड एनसीओस के जो वार्ड्स हैं उनके लिए फीस जो है वो एग्जेम्प्ट है, क्लियर। नाउ यदि आप फीस पे करना चाहते हैं नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा, तब तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, एप्लीकेशन भरते समय पे बाय कैश मोड जब यदि आप लेते हैं तो वहां पर एक चालान जनरेट होगा, उस चालान का प्रिंट लेके आप SBI की किसी भी ब्रांच पर जाकर के इस चालान के थ्रू अपनी फीस का पेमेंट कर सकते हैं, राइट। एंड यदि आप पे बाय कैश करते हैं तो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 10 जनवरी 2022। ध्यान रहे ऑनलाइन पेमेंट 11 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, लेकिन कैश पेमेंट्स जो है वो सिर्फ 10 जनवरी 2022 तक ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई, ये मैंने आपको बता ही दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन बोर्ड में यूपीएससी की साइट पर जाकर के आपको एप्लीकेशन भरनी है, राइट। अब प्रस्तावित है कि जो जो एग्जाम अप्रैल में होगा इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा जून 2022 में। तो ये टाइमलाइन का एक नेक्स्ट पार्ट था, रिजल्ट होने डिक्लेयर होने के पूरी पूरी संभावनाएं हैं, जून 2022 में रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, लास्ट डेट एप्लीकेशन की और विड्रॉल की, ये मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे ही दी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझनी है, रिजल्ट्स बता दिया मैंने आपको, डिस्क्वालिफिकेशन की भी यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, इनको आप डिटेल में समझ सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के। अब देखो बेटा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनडीए में दो पेपर्स होते हैं, एक पेपर होता है मैथमेटिक्स जिसके लिए कि आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 120 क्वेश्चन इसमें होंगे, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है और 300 नंबर इसका वेटेज है। और दूसरा पेपर होता है बेटा जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको कि आप जीएटी बोलते हैं, ये भी 2.5 घंटे का ही पेपर है, यहां पर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन का वेटेज होता है 4 नंबर और टोटल होते हैं 600 नंबर, यानी कि मैथ्स और जीएटी मिला करके 900 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है। और ध्यान रहे यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, तो यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर्स तो ध्यान से करिएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें है, नो रॉन्ग आंसर्स, राइट।
सो स्टूडेंट्स आई होप इस विज्ञप्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, और बेहतरीन तैयारी यदि आप आने वाले इस एग्जाम के लिए करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप आपको देगा लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, लाइव एग्जाम्स, प्रैक्टिस सेट्स एंड डाउट बॉक्स। आप अपने डाउट्स भी ऐप के माध्यम से ही क्लियर कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप, बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम। शौर्य भारत परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, वी विश यू अ ब्राइट करियर अहेड। थैंक यू सो मच।